डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है जगत सिंह नेगी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। तो फाइनली मैंने ब्लॉग बनाने का सोच ही लिया। आज मैं जा रहा हूँ मार्केट, जो कि चौकटिया मार्केट है, अल्मोड़ा ज़िले में हमारा मेन मार्केट है। हमारा जो कुछ भी सामान होता है मेन मार्केट वहीं है, यहाँ से जो कि 10 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ। वैसे बहुत टाइम लगा वहाँ धार से आने में, 1 घंटा लग जाता है। बोल गया 1.5 घंटे में आया ये। और अभी हम जा रहे हैं नीचे मार्केट में। आज गाड़ियों का मिलना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रैली में बहुत से लोग गाड़ी बुकिंग में गई हैं आज। और माइक लगाना भूल गया मैं, शिट, कोई नहीं। तो ठीक है, तो चलते हैं। तो अभी अभी हमारे माइक को पता नहीं क्या हो गया, इसने आवाज़ रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है। तो हम अभी इससे करते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे एक भी नहीं है, तो हम गाड़ी के इंतजार में नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे। रास्ते में मिली तो हम वहाँ से बैठ जाएंगे। तो ये है पुनियाबगढ़ गाँव का ग्राम पंचायत घर, और जो कि गाँव से बहुत नीचे है। हम पैदल पैदल यहाँ पहुँच, पैदल पैदल ही जा रहे हैं। गाड़ी तो मिल नहीं रही, रास्ते में अगर कहीं गाड़ी मिलेगी तो रोक लेंगे। वैसे आज बादल लगे हुए हैं, ठीक और का मौसम, बीच बीच में धूप आ जा रही है। तो अभी तो ये रहे लंगूर, जिन्हें हमारे पहाड़ों में बोलते हैं गुणी गुणी। अरे कैसे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये बैठे हैं यहाँ पे, और नीचे हमारी वही राम गंगा नदी और बिमोली नदी, जिनका की संगम वहाँ ऊपर था पुल के पास में। तो अभी हम पहुंच गए हैं सिटी गांव में। तो है छोटे छोटे गांव हमें दिखते रहेंगे रास्ते में। किस्मत भी कह रही है तुम पूरा ब्लॉग। गांव में ना स्वरोजगार के लिए भी बहुत सी अच्छे अच्छे काम है। ये पेड़ पॉली हाउस है, पेड़ पौधे लगे हैं इसके अंदर। तो अभी हम पहुंच गए हैं गोदी गांव में। बाकी हालत तो हमारी ऐसी हो चुकी है कि फेस दिखाने का मन भी नहीं कर रहा है। ये हालत हो गई है, गाड़ियां एक भी नहीं मिली आज, ऊपर से पैदल ही आ रहे हैं। तो बहुत चलने के बाद, बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमें गाड़ी मिली है। 8 किलोमीटर चल गए, 2 किलोमीटर के लिए गाड़ी मिली हमें। तो जगह जगह ढूंढ रहा है मास्क अपना, उसे मिल रहा है। चलो मिल गया मास्क। तो बस पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम पहुंच गए सीधे मार्केट में, मेन मार्केट में। यहाँ से हमें थोड़ा पैदल चलना है बैंक तक के लिए। यहाँ से दो रास्ते हैं, ये जाता है शायद गैरसैंड को, हाँ शायद नहीं गैरसैंड को जाता है, और ये है रामनगर, रामनगर की तरफ को। तो बैंक हमारे इधर को ही है। तो रामनगर यहाँ से 120 किलोमीटर है, दिल्ली 410, और दूसरे आते हैं 35 किलोमीटर। तो हम अपना बैंक वैंक का जितना भी काम था सब कंप्लीट करके आ गए हैं। अभी हम हैं चकोटे के पारे बाजार में, और धूप लग गई है और टाइम हो गया है 2:30। तो अब हम बस के लिए रुकेंगे थोड़ी देर, गाड़ी तो हमें मिलेंगी नहीं। तो अब हम 4 बजे वाली बस जो रामनगर से आती है उसके लिए रुक जाएंगे थोड़ी देर। दिल्ली वाली पूरी गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहाड़ों में दिल्ली पहुँच गई, ऐसा लग रहा है दिल्ली वाला फील आ रहा है पूरा। यहाँ पर ये है राम गंगा नदी, हमारी गाड़ियाँ लगती हैं यहाँ पर, ऐसे मतलब हर जगह जाती हैं, ऐसे खेड़ा हो गया, गढ़वाल भी लगती है शायद, तोराहाट हमें मिल गई है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा हमें क्योंकि ये गाड़ी आ रही है बुकिंग में। तो ये आमने सामने बैठे हम दोनों।
जुगानी पे, और अपने घर पे पहुँच गए। इस यहाँ से दो रास्ते हैं, अब इसको जाना है वहाँ को उखैया को उदयपुर, और मुझे जाना है धारा करीक को। यार यहाँ से क्या दिखाऊँ मैं तुम्हें, बहुत दूर है। वो जो दिखाया तुम्हें बीच में, दिखाया है तुम्हें मैंने। वैसे मेरा तो मेरा मेरे चैनल पे विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मेरे चैनल पे देखना एक बार, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है? तो अभी क्या करें, खत्म।